बाड़मेर शहर के बलदेव नगर के निवासी पिछले लंबे समय से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल बलदेव नगर में नाले नालियों का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में गंदे पानी के तालाब बने रहते हैं। गंदे पानी के सड़कों पर तालाब बने रहने से यहां लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में गत कांग्रेस सरकार ने बाड़मेर शहर के नजदीक की कई कॉलोनी को नगर परिषद में शामिल किया था, लेकिन इन कॉलोनियों को आज भी सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बलदेव नगर की। बलदेव नगर के हालात पिछले लंबे समय से खराब है। बलदेव नगर में सड़कें टूटी हुई हैं तो नाली और नालों का निर्माण कार्य आधा अधूरा ही हो रखा है। पूरे क्षेत्र में नालियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण बलदेव नगर की गलियों में गंदे पानी के तालाब पूरा दिन बने रहते हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि हमारे घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। वही सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना विद्यालय जाने वाले बच्चों को करना पड़ रहा है। साथ ही पूरा दिन घरों के बाहर गंदे पानी के तालाब और गंदगी फैली होने से मच्छरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नालियों के निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन समाधान आज दिन तक नहीं हुआ। पानी की समस्या आप देखो, गली में पानी भरा पड़ रहा है। 5 साल से हम परेशान यहाँ रह रहे हैं। रेगुलर बच्चों का आना जाना मुश्किल हो रहा है, हमारा भी आना जाना मुश्किल है। बच्चों का स्कूल जाना कैसे जाए, आप ही देखो हालत कैसी है। फुल पानी भरा हुआ पड़ा है, गलियों में चलना मुश्किल हो रहा है। वो तो प्रॉब्लम ही है, निवासियों को बीमारियां झेलनी पड़ रही है और जाना आना तो मुश्किल है, वो तो है ही। बाद में बीमारी ऊपर से मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छरों से बीमारियां फैली है, वो तो है भी है। दरअसल बलदेव नगर से आगे हाईवे की तरफ बन रहे नाले का निर्माण भी इन दिनों रुका हुआ होने के कारण बलदेव नगर से निकलने वाला पानी बलदेव नगर की गलियों में ही फैल रहा है, जिससे समस्या ज्यादा हो गई है। पूरे बलदेव नगर में लगभग सभी गली मोहल्लों में पूरा दिन गंदे पानी के तालाब बने रहते हैं और सड़कें टूटी हुई रहने से हादसे भी हो रहे हैं। बलदेव नगर के निवासियों ने जल्द समस्या समाधान की मांग जिला प्रशासन से की है।